रोहतक लोकसभा क्षेत्र का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा प्रदेश की राजनीति के लिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर रोहतक लोकसभा क्षेत्र के चुनाव पर लगा रखा है, कल भी जो उनकी यहाँ पर बैठक हुई उसमें रोहतक लोकसभा पर ही रोहतक लोकसभा ही निशाने पर रही, उससे ये बात स्पष्ट है कि भाजपा का नेतृत्व भी, केंद्रीय नेतृत्व भी ये बात समझ रहा है, प्रदेश नेतृत्व भी समझ रहा है कि ये चुनाव केवल एक सांसद का चुनाव नहीं है। रोहतक लोकसभा चुनाव का जो फैसला आएगा वो प्रदेश की आगे की राजनीति को तय करने का काम करेगा। हरियाणा में आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा होती है उसका फैसला रोहतक लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में होगा। जहाँ तक हमारी बात है, पिछले 14 वर्ष के सारे कामों को लेकर जो विकास कार्य किए गए हैं उन सारी बातों को लेकर जो बतौर सांसद मैंने प्रयास किया है सबका मान सम्मान रखने का, हमेशा कोशिश करी है कि अपने क्षेत्र की और देश की बात राजनीति से भी ऊपर उठ के संसद में मैं रखूं, 36 बिरादरी को मान सम्मान दे के सबका जो है सम्मान करके मैं क्षेत्र को आगे विकास के मामले में बढ़ाने के प्रयास करूं, यहाँ पे परियोजनाएं लेके आऊं। इन बातों को लेके मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बीच में अपने मतदाताओं के बीच में अपने पूरे परिवार के बीच में मैं जाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है मुझे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा।